भाजपा बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि भोटा नगर के सभी सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि भोटा सीवरेज योजना के लिए 9 करोड़ की राशि आवंटित की गई है और सीवरेज योजना के लिए पाइपों से लदा पहला ट्रक भी भोटा पहुंच चुका है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने भोटा वासियों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि सीवरेज योजना का कार्य पूरा हो जाएगा तो लोगों को इसका काफी फायदा मिलेगा। वहीं भोटा के स्थानीय निवासियों में राजेंद्र वर्मा, पवन दत्याल, युवा मोर्चा बड़सर उपमंडल उपाध्यक्ष पंकज वर्मा, भोटा शहरी इकाई के अध्यक्ष विनोद कतना, पार्षद चंद्रशेखर अश्विनी आदि ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर का सीवरेज योजना के लिए आभार व्यक्त किया। भोटा नगर पंचायत के सभी सम्माननीय नागरिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने भोटा नगर पंचायत के सीवरेज सिस्टम के लिए 9 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया और उसी धन से आज भोटा नगर पंचायत में पाइपों की पहली खेप पहुंच गई है। मैं इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी का, और मैं आशा करता हूं कि जल्द ही सीवरेज का ये कार्य पूरा होगा और भोटा के वासियों के लिए ये जो मुख्यमंत्री हमारे श्री जयराम ठाकुर जी ने सौगात भेजी है, उसके लिए मैं भोटा वासियों की तरफ से, बड़सर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुभकामनाएँ। जय हिंद।